So good morning to all the students and let's start the new topic that is magnetism. इस topic का number है state board में इसका number कितना है 12 number. So 12th number का जो topic है वो हम start करने वाले हैं. This topic is very very easy and therefore we are going to start this topic. Okay. तो पहले तो हम क्या करेंगे इस magnetism का definition देखेंगे. Magnetism actually क्या होता है. Okay. So let's write the definition of the magnetism. मैग्नेटिज्म ओके डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिज्म डेफिनेशन क्या है देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ओके The property of attracting small pieces of iron is called as magnetism. देखिए very simple definition है. Magnetism क्या है एक property है और कौन सी property है small iron pieces को attract करने की जो substance की property रहती है उसको हम magnetism बोलते हैं ओके मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है तो क्या बोलेंगे उस सब्सटेंस को मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है ऐसा हम बोलेंगे ओके सो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म उसके बाद डेफिनेशन आता है मैग्नेट का मैग्नेट ओके सो मैग्नेट का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखिए मैग्नेट द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेट द सब्सटेंस एनी सब्सटेंस ओके द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट small pieces of iron is called as magnet okay the substance which can attract small pieces of iron is called as magnet ये दो टर्म आपके ध्यान में आए क्या देखिए मैग्नेटिज्म और मैग्नेट का डेफिनेशन वेरी सिंपल है ठीक है मैग्नेटिज्म क्या है द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट का डेफिनेशन क्या है द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेट ठीक है अभी इस मैग्नेट की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखते हैं इसका हिस्ट्री कैसा है देखिए हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट सो मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेट का डिस्कवरी कब हुआ है 600 BC, ओके 600 BC को इसका डिस्कवरी हुआ है 600 बिफोर ख्रिस्त इसको बोलते हैं 600 बिफोर ख्रिस्त मतलब आज से लगभग 2600 ईयर्स ओके लगभग 2600 ईयर मतलब उसको बोलते हैं 600 BC को ये मैग्नेट डिस्कवर किया गया है और ये मैग्नेट कहाँ पे डिस्कवर किया गया है ग्रीक जो देश है ओके देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज ग्रीक वहां पे मैग्नेशिया नाम का एक विलेज था ओके मैग्नेशिया नाम का एक विलेज था उस विलेज में ऐसे कुछ रॉक पाए गए वहां के जो लोग थे ओके उनको ऐसे कुछ रॉक पाए गए कि जिनमें आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रहती है ओके एंड क्योंकि ये मैग्नेशिया शहर में मिल गया इसके लिए उस रॉक का नाम क्या रखा गया मैग्नेट ठीक है तो मैग्नेट नाम कहां से आता है उस विलेज से आता है या फिर उस शहर से आता है उस शहर का नाम क्या था मैग्नेशिया ठीक है सो मैग्नेशिया में ये नेचुरल रॉक्स फाउंड किए जाते हैं जिसको आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है ओके सो 600 BC को ये मैग्नेट्स या फिर नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर किए गए एंड कहां पे डिस्कवर किए गए मैग्नेशिया नाम का जो ग्रीक कंट्री में जो मैग्नेशिया नाम का शहर है वहां पे ये डिस्कवर किए गए हैं ठीक है
इसका साइंटिफिक स्टडी जो है, इसका साइंटिफिक स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल डन बाय विलियम गिलबर्ट। ओके, विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट ने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक स्टडी किया है। ओके, तो फर्स्ट नाम रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द मैग्नेट आता है विलियम गिलबर्ट। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है ओरस्टेड, ओरस्टेड। ओके, ओरस्टेड ने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों में क्या रिलेशन है ये आइडेंटिफाई किया है। मैग्नेट का स्टडी किसने किया है, विलियम गिलबर्ट ने, और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया है, ओरस्टेड ने। एंड उसके बाद मैक्सवेल, ओके, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है, उन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है, वो रिलेशन प्रूव किया है। ओके, सो रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म यहाँ पे तीन साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट नेम है, कौन से है, विलियम गिलबर्ट, ओरस्टेड एंड मैक्सवेल, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट नेम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टडीड बाय विलियम गिलबर्ट, आफ्टर दैट मतलब मैग्नेट का स्टडी जो रहता है, मैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेटिक लेंथ मतलब क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या रहते हैं, उसके बाद अट्रैक्शन कहाँ पे रहता है, रिपल्शन कहाँ पे रहता है, इसका जो साइंटिफिक स्टडी है वो किसने किया है, विलियम गिलबर्ट ने किया है। उसके बाद करंट कैरिंग करंट कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, करंट और मैग्नेटिज्म में भी रिलेशन है, ये किसने आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, ओरस्टेड साइंटिस्ट ने। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ओरिजिन एक ही रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू चार्ज, रिमेंबर दिस थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ओरिजिन एक ही है, और दोनों का ओरिजिन क्या है, चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये किसने प्रूव किया है, मैक्सवेल ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड देयरफॉर देयर इज अ वर्ड। ओके, आपने ये वर्ड हमेशा सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड सो ऑन, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों सेपरेट नहीं है, इसलिए दोनों कंबाइन करके ही हम यूज करते हैं। सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट या फिर मैग्नेटिज्म। ओके, इसके बाद सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हम अभी देखने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। ये प्रॉपर्टीज जो है वो किसने स्टडी की है, गिलबर्ट ने, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट When a magnet is suspended in air, suppose there is a bar magnet मतलब rectangular magnet suppose है, and हमने उसको air में लटका दिया, suspend किया, तो क्या होता है, It always rest in north-south direction, okay? So this is the first property. When a magnet, okay, when any magnet is suspended in air, किसी भी मैग्नेट को जब हम एयर में सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, सस्पेंडेड इन एयर, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब किसी भी कोई भी मैग्नेट आप ले लो, इसको एयर में लटका दो, सस्पेंड करो, तो फाइनली कौन से डायरेक्शन में आके रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही वो रुकता है, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हर मैग्नेट को यहाँ पे क्या रहता है, एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है, तो किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल
एंड साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर उस मैग्नेट पे सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा नहीं है, कौन मतलब एक एंड क्या रहेगा मैग्नेट? आपको पता है कि मैग्नेट को हमेशा दो पोल्स रहते हैं, ओके okay, एक पोल रहता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल रहता है साउथ पोल, करेक्ट है ना? तो वहां पे सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा नहीं है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उसमें से नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस तरह से ये आपको करना पड़ेगा. सपोज दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन. पहले तो यहाँ पे मैंने सभी डायरेक्शन लिखा है, इसका डायग्राम ड्रॉ किया है. सपोज यहाँ पे क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है. दीज आर द ज्योग्राफिक डायरेक्शंस, ठीक है. अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैग्नेट लिया और उसको लटका दिया, सस्पेंड किया, एक मैग्नेट को यहाँ पे सस्पेंड किया. तो आपको पता है मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में रेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होगा. मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ अगर वर्टिकल है, मतलब अप एंड डाउन है, तो क्या हो जाएगा, बार ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा. अभी इस पर नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा एंड नॉर्थ पोल रहेगा, कौन सा एंड साउथ पोल रहेगा, क्या आप बता सकते हैं? ऊपर वाला कौन सा पोल रहेगा, साउथ वाला कौन सा पोल रहेगा, कैन यू टेल मी दिस? So, इस तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं. जो नॉर्थ साइड पे जो पोल रहेगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं ऑफ दैट मैग्नेट, एंड साउथ साइड को जो पोल रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, हम साउथ पोल बोलेंगे. ओके, वंस अगेन एग्जांपल बता देता हूं. सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, आपको पता नहीं है, तो क्या करना है, आपको उसको सिर्फ लटकाना है, सस्पेंड करना है. सस्पेंड करने के बाद वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फाइनली रेस्ट करेगा. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करने के बाद जो हिमालय की तरफ होगा, जो एंड हिमालय की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ होगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, एंड जो कन्याकुमारी की तरफ मतलब साउथ की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, हम साउथ पोल बोलेंगे. ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, फिर से सुनिए. व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर, when a bar magnet or any magnet is suspended in air, then pole of that magnet towards north is called as north pole and pole of that magnet towards south is called as south pole. Okay, samajh mein aa raha hai kya? Dekhiye, so in this way north pole and south pole of any magnet is described or written. So this is the first property, and first property ka use kis liye karenge, kisi bhi magnet ka नॉर्थ पोल और साउथ पोल आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, तो क्या स्टडी कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड द पोल टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल एंड पोल टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड एज साउथ पोल. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस. ओके, मतलब सपोज इस बार मैग्नेट को मैंने मिडल से कट किया, यहां पे एक बार मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है, मिडल से कट किया, तो यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट होता है क्या? तो वो सेपरेट नहीं, जब इसको बीच से कट करेंगे तो दो पार्ट बन जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, एंड जब दो पार्ट बनेंगे तो ईच पार्ट विल एक्ट लाइक अ स्मॉलर मैग्नेट, वन मोर मैग्नेट. ओके, तो यहां पे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला ऑलरेडी साउथ पोल है, नीचे वाला क्या बन जाएगा, यहां पे जहां से कट किया है वहां पे नया साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, या फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसका बॉटम क्या है, साउथ पोल है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल एक्ट हो जाएगा. ओके, सो व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस ईच पीस एक्ट लाइक अ मैग्नेट अगेन. ओके, व्हेन अ मैग्नेट इज कट, ओके,
इंटू नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस, देन ईच पीस हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल. That is, each piece acts like a magnet. Okay, each piece acts like a magnet. ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो मैग्नेट का रहेगा वो हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे. ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मतलब सपोज ये मैग्नेट है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, बीच में मैंने कट किया, तो आपको वंस अगेन हर एक पीस को नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, ओनली नॉर्थ पोल आपको नहीं मिल सकता है. मतलब उसको कितना भी कट करो, कट करते हुए आप एटोमिक लेवल तक भी गए, एटोमिक लेवल तक भी आप गए, तो वहां पे भी एटम को भी आपको क्या मिलेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेंगे. तो मैग्नेटिज्म किस लेवल तक रहता है? एटॉमिक लेवल तक मैग्नेटिज्म रहता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस को हमने नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड किया तो सबसे छोटा जो पीस आएगा वो क्या आएगा? उसका एटम आ जाएगा. और एटम को भी क्या रहेंगे? वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेंगे ही रहेंगे. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. That is, monopole does not exist. Okay, when a magnet is cut into number of pieces, then each pole has north pole and south pole. Okay, that is, okay, iska meaning kya likh sakte hain? That is, north and south pole of magnet cannot be separated. Okay. Or single pole of the magnet does not exist. Single pole, उसी को क्या बोलते हैं? Monopole. Monopole of magnet. Monopole of magnet doesn't exist. सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, मैग्नेट के पोल हमेशा पेयर में ही रहेंगे, पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. देयर कैन बी क्वेश्चन इन योर टेस्ट दैट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सेकंड इज दैट व्हेन मैग्नेट इज कट इन टू नंबर ऑफ पीसेस देन ईच पीस हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल. That is, north and south pole of magnet cannot be separated away from each other. That is, single or monopole of magnet does not exist. Single pole kabhi bhi exist nahi karta. Okay. And third is that when a magnet is dipped in iron fillings and taken out, kya hota hai? Iron fillings matlab aapko pata hai. Iron filings ya fir fillings bolte hain. Okay. Usme humne मैग्नेट को डीप किया और बाहर निकाला तो क्या होता है? आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के पार्टिकल्स, छोटे छोटे आयरन के जो पार्टिकल रहते हैं. ओके, छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं आयरन के, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं या फिर आयरन फिलिंग्स बोलते हैं. आयरन फिलिंग्स में मैंने मैग्नेट को डीप किया कंप्लीटली और बाहर निकाला तो क्या आपको नजर आ जाएगा? मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक्स नियर द एंड. आयरन फिलिंग जो है, आयरन फाइलिंग जो है, आयरन के पार्टिकल जो है, वो कहां पे स्टिक होते हैं? नियर एंड स्टिक होते हैं, मिडल में स्टिक नहीं करते ज्यादातर पार्टिकल. सपोज ये मैग्नेट है तो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आपको यहां पे दिखेंगे, दे आर स्टिकिंग नियर द एंड्स ओनली, दे आर नॉट स्टिकिंग एट द मिडल. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो कहां पे रहता है? वो नियर एंड रहता है, ओनली नियर एंड रहता है. और उसी को क्या बोलते हैं हम?
मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल या फिर मैग्नेटिक पोल जो रहता है वो कहां पे रहता है, नियर एंड्स ओनली रहता है, बीच में नहीं रहता। मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नियर द एंड्स ओनली। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन मैग्नेट इज, व्हेन एनी मैग्नेट इज डिप्ड इन आयरन फिलिंग्स या फिर आयरन फाइलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब क्या है, आयरन के पार्टिकल, छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल, आयरन फिलिंग्स एंड टेकन आउट। तो यहां पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम स्टिक नियर एंड, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड, मिडल में स्टिक नहीं करते। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, द मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट इज कॉन्सेंट्रेटेड। मैग्नेटिज्म, ये जो प्रॉपर्टी है आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर एंड्स ऑफ मैग्नेट। ओके, एंड उसी रीजन को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं हम। इससे पोल का भी डेफिनेशन बनता है, ठीक है, द रीजन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, रीजन ऑफ मैग्नेट नियर एंड। देखिए मैंने क्या लिखा है, द रीजन ऑफ मैग्नेट नियर एंड, ओके, द रीजन ऑफ मैग्नेट, द रीजन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, the region of magnet near end where magnetism is concentrated, okay, is called as मैग्नेटिक पोल। ठीक है, समझ में आके देखिए, यहां पे समर्थ कोड़ी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सर व्हेन मैग्नेट इज केप्ट अंडर शीट विच कैरिंग आयरन पार्टिकल्स दैट इज आयरन फाइलिंग्स देन इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करेक्ट, ये करेक्ट है। मतलब यहां पे एक कंसेप्ट दिया गया है, कंसेप्ट क्या है देखिए, यहां पे एक सपोज एल्यूमिनियम का इस तरह से एक शीट है, एल्यूमिनियम का शीट, और यहां पे क्या है, आयरन पार्टिकल्स, हमने बहुत सारे आयरन पार्टिकल यहां पे सपोज रखे हैं, और इस शीट के नीचे मैंने क्या लगाया, एक बार मैग्नेट लगाया शीट के नीचे, सपोज मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट मतलब रेक्टेंगुलर मैग्नेट लगाया, तो ये जो आयरन फिलिंग्स रहेंगे वो क्या करेंगे, एक सर्टन पाथ पर अरेंज होंगे। ओके, वो किस पाथ पर अरेंज होंगे, देखिए इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। मतलब नीचे यहां पे अगर आपका मैग्नेट है शीट के नीचे, तो यहां पे आयरन फिलिंग इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे, लाइक दिस, इस पाथ पर वो ओरिएंट हो जाएंगे। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट जो है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे एक्चुअली आयरन फिलिंग्स में क्या किया है, मैग्नेट को डीप किया है, कंप्लीटली डीप किया है और बाहर निकाला है। डीप करने पर, बाहर निकालने पर क्या हो जाएंगे, आयरन फिलिंग्स उसको स्टिक कर जाएंगे। ओके, आयरन फिलिंग विल स्टिक टू दैट बार मैग्नेट,
ठीक है ना। तो कहां पे स्टिक होते हैं आपने ऑब्जर्व किया, तो मोस्टली नियर द एंड स्टिक होते हैं। मोस्टली नियर एंड ही क्यों स्टिक होते हैं, उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसका मीनिंग ये निकलता है कि मैग्नेटिज्म जो है, मतलब आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जो मैग्नेटिज्म है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पे है वो नियर द एंड से, इसका ये मीनिंग निकलता है। एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज पोल, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। वंस अगेन देखिए यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्ट जस्ट रिविजन करेंगे। मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट क्या है, द सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। जो भी सब्सटेंस आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है उस सब्सटेंस को हम मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देखिए तो मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेट का डिस्कवरी कहां पे हुआ है, ग्रीक में हुआ है, ग्रीक पीपल्स जो है, ग्रीस में हुआ है, ग्रीक पीपल जो है उन्होंने इसका डिस्कवरी किया है अबाउट 600 बिफोर ख्रिस्त, मतलब आज से लगभग 2006 इयर्स पहले। एंड उसका नाम मैग्नेट ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो जिन रॉक में थी, वो रॉक कहां पे पाए गए, मैग्नीशिया नाम का एक जो विलेज या फिर शहर था वहां पे ये रॉक्स पाए गए, एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज मैग्नेट्स। मैग्नीशिया में इसका डिस्कवरी हुआ है। ओके, एक्चुअली उसका स्टोरी यूट्यूब में आपने डाला तो उसका स्टोरी भी मिलता है, एक्चुअली किस तरह से वो रॉक फाइंड आउट हुआ। एक्चुअली उस रॉक को एक चरवाह जो रहता है, चरवाह, ओके, उसने उसको डिस्कवर किया है। मतलब रोज अपने जानवर वो लेके जाता था और एक दिन क्या हो गया, वो मैग्नेशिया का वो चरवाह था और वो एक रॉक पे बैठ गया, और रॉक पर बैठने के बाद क्या हो गया, उसके जो चप्पल थे, उसके चप्पल्स, चरवाह के चप्पल्स, वो रॉक को स्टिक हो गए, चिपक गए रॉक को। क्यों चिपक गए, क्योंकि उन चप्पल को नीचे क्या था, आयरन के पीसेस थे, आयरन के कीले थे वहां पे उस चप्पल में, तो वो क्या हो गए, वहां पे स्टिक हो गए। तो वहां से डिस्कवरी हुआ एक्चुअली। तो वहां पे पता चला कि मैग्नेशिया शहर में ऐसे कुछ रॉक्स हैं कि जो आयरन पीसेस को चिपक जाते हैं, और वहां से वो क्या हो गया है, मैग्नेट का डिस्कवरी हो गया है। सो एक्चुअली इट इज डिस्कवर्ड बाय वन चरवाह। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, नियर द एंड रहता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट एवरी मैग्नेट हैज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर पोल्स एंड रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स। मतलब नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन रहेगा, साउथ साउथ में रिपल्शन रहेगा, एंड नॉर्थ एंड साउथ में अट्रैक्शन रहेगा, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी। सो इन दिस वे देर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। ओके, सो बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख